नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हाल ही में दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीपीआईएम की नेता वृंदा करात के एक पिटीशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ केस चलाने के लिए। इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सीपीआईएम की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात। वृंदा, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो जजमेंट है वह क्या कहता है आपकी पिटीशन के बारे में? मजिस्ट्रेट की जो ऑर्डर है वो कुछ अजीब सा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट की ऑर्डर ने हम लोगों की पिटीशन पर कोई टिप्पणी नहीं की कि हमने जो शिकायत दर्ज की है वो सही है या गलत है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि 153A यानी कि विभाजन करने वाले कोई शिकायत हो, सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए, हेट करने के लिए कोई अगर 153 के अंतर्गत कंप्लेंट है, तो सीआरपीसी के मुताबिक 146 के जो सीआरपीसी का धारा है उसके मुताबिक हमें पहले इजाजत लेने की जरूरत थी। तो उन्होंने इस ग्राउंड पर, मेरिट्स पर नहीं कि नफरत वाले भाषण हुए या नहीं, उस पर नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि ये 146 के अंतर्गत आपको पहले इजाजत लेना चाहिए। लेकिन अजीब मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि उससे पहले पुलिस ने भी कभी इतराज नहीं की। जब पटिशन दर्ज हुआ उस समय मैजिस्ट्रेट साहब ने कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया जी। अगर कुछ बात थी तो शुरू में ही वो कह देते कि भैया हम इसको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपको इजाजत लेकर आना है जी। इजाजत देने वाली अथॉरिटी भी आप समझ लीजिए, 153 में इजाजत कौन देगी? पुलिस देगी। पुलिस किसके अंदर है? पुलिस है होम मंत्रालय के अंदर अंतर्गत। इसलिए अमित शाह जी को परमिशन देना है कि परवेज वर्मा या अनुराग ठाकुर के खिलाफ हेट स्पीच बनता है या नहीं बनता, इजाजत देते हैं या नहीं देते, अब आप बताइए। वृंदा, मेरा दूसरा सवाल यह होगा कि ये जो आपकी पिटीशन थी ये काफी पुरानी पिटीशन है, शायद जनवरी में फाइल हुई थी, तो आखिर क्यों इतना समय लगा इसके जजमेंट को आने में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पिटीशन दिल्ली की जो फरवरी महीने में हिंसात्मक तमाम कार्रवाई हुई डीजीपी आरएसएस की तरफ से, उससे बहुत पहले हमने ये पिटीशन जनवरी महीने के अंत में, जब दिल्ली की चुनाव के लिए अभियान चल रहा था और उस चुनाव के अभियान में अनुराग ठाकुर जो केंद्र मंत्री है, परवेज वर्मा जो दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी भाषणों पर हमने इतराज की है क्योंकि उनकी भाषण केवल नफरत नहीं फैला रही थी जो थी, लेकिन साथ साथ हिंसात्मक कार्रवाई करने के भी लोगों को उकसा रहे थे। गोली मारो सालों को, वो क्या मतलब है और किसको गोली मारना है वो भी स्पष्ट किया भाषण में। और वर्मा जी ने तो और भी बिल्कुल मतलब ऐसे जहरीला भाषण दिया जो किसी भी हालत में कानून के मुताबिक नहीं। और हमने ये भी कहा अपने पिटीशन में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद ही इसका नोट लेते हुए कहा कि आप कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए दोनों को उन्होंने चुनाव अभियान के शामिल होने पर उन्होंने पाबंदी लगाई। इसका मतलब प्राइमा फैशी एविडेंस तो है ही ना जी। जी, आप समझ लीजिए मैजिस्ट्रेट ने तुरंत पिटीशन को भी एडमिट किया और आर्ग्यूमेंट्स भी शुरू कर दी। और आर्ग्यूमेंट सिर्फ शुरू नहीं, पूरे आर्ग्यूमेंट्स एक महीने में समाप्त हो गए। लेकिन बाद में जब जजमेंट रिजर्व हुआ तब पता चला मैजिस्ट्रेट साहब को
कि कुछ और लोगों ने हाईकोर्ट को इसी मुद्दे के सवाल पर, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम भी जुड़ गया था, हाईकोर्ट के समक्ष कुछ पिटिशन डायरेक्टली चले गए। तो फिर मैजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई जब हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय इसको सुन रही है तो हम जजमेंट नहीं दे सकेंगे, इसलिए हम पहले इंतजार करेंगे कि हाईकोर्ट क्या कहता है। तो हम भी मजबूरी में हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। मार्च महीने से अगस्त महीने तक हाईकोर्ट में ये लंबित रहा, तारीखें पड़ती गई, पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, क्या क्या कारण थे मैं नहीं कह सकती हूँ। आखिर में फिर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट के पास दोबारा जाओ। हमने स्वयं कहा मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे क्योंकि हमारी तो आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो चुकी है, तो आप बताइए, आप मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दीजिए कि वो अपना जो जजमेंट रिजर्व किया हुआ था फरवरी में वो उसको सुना ले। तो मैजिस्ट्रेट ने और दो हफ्ते लेकर उन्होंने क्या सुनाया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स पूरे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद आर्ग्यूमेंट की मेरिट्स पर एक शब्द नहीं बोले, लेकिन वो टेक्निकल सवाल पर उन्होंने कहा हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक सवाल है प्रांजल कि अगर डिसमिस करना था तो आप जनवरी महीने में, फरवरी के पहले हफ्ते में आप डिसमिस कर लेते जी। अब हालांकि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कह दिया है कि आपको अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो क्या एज पिटिशनर आप अथॉरिटीज के पास जाएंगे इन परमिशन को लेने के लिए? आप यही अजीब बात समझ लीजिए, यही तो है जो इस पूरे कानून का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो नफरत वाली भाषण देकर आज भी छाती पीट कर घूम रहे हैं। क्या है वो? मेरा कोई अधिकार नहीं है एक नागरिक के हिसाब से कि मैं डायरेक्ट करूं कोई 153A का केस। कानून मुझे इजाजत नहीं देती है। जो इस मैजिस्ट्रेट की अगर जजमेंट माना जाए, जो मैं समझती हूं गलत है, क्योंकि अभी तक जो चार्जशीट की टाइम पर ही इजाजत की जरूरत होती है, FIR की फाइलिंग की टाइम पर नहीं। लेकिन मान लीजिए FIR के बारे में मैजिस्ट्रेट ने कहा, आप देखिए अगर उनकी बात मानी जाए तो 146 के अंतर्गत कौन है अथॉरिटी जो हमें इजाजत देगी? मुझे नहीं, दिल्ली पुलिस को जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, या दिल्ली पुलिस स्वयं अथॉरिटी बनकर वो इजाजत दे कि मंत्रियों के खिलाफ ये केस दर्ज हो। क्योंकि याद रखना है ये पब्लिक सर्वेंट होने के नाते मुझे परमिशन लेना है, वो उन्होंने धारा नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने जो धारा इस्तेमाल किया 146, उसपे 153 के संबंध में हमें इजाजत लेना है, जो एज अ प्राइवेट सिटीजन मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब आप बताइए इस पूरे आर्ग्यूमेंट्स में दिल्ली पुलिस ने आर्ग्यू किया मेरे पिटिशन के खिलाफ और क्या कहा कि ये जो भाषण दिए गए थे, ये भाषण में कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस, कोई अपराध जिस पे पुलिस नोट करे वो नहीं बनती है। तो भैया अथॉरिटी ने तो पहले कोर्ट के सामने कह दिया कि कोई अपराध नहीं बनते है, तब कौन जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास? मान लीजिए अगर मैं जाती हूँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमें इजाजत देगी क्या कि भाई आप केस लगाइए? तो इसलिए ये पूरा जो मामला है उसके जो परिणाम सामने आते हैं वो ये कि जो कानून का जिक्र किया जा रहा है उस कानून का ही धज्जा उड़ाए जा रहे हैं इस प्रक्रिया के अंदर। बिंदा, मेरा अगला सवाल यह है कि हाल ही में आपने एक आर्टिकल लिखा था कि किस तरीके से दिल्ली राइट का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी इन्फ्लुएंस है, इस बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? पहली बात यह है ये दंगे कहां से हुए और क्यों हुए।
अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सब कुछ एंटी सीए प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और दिसंबर महीने से जो देश भर में एंटी सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो मुख्य रूप में वो शांतिपूर्ण रहे मुख्य रूप में, और जहां तक गिनती का सवाल है 100 से ऊपर इस प्रकार की प्रोटेस्ट शायद देश भर में बने थे, और दिल्ली में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी इस प्रकार के बहुत सारे साइट्स थे। नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग 8 या 9 साइट्स थे। अब जो आपके प्रोग्राम सुनेंगे दिल्ली की ज्योग्राफिया जानते हैं कि नहीं, जामिया दक्षिण दिल्ली की तरफ है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली बिल्कुल अलग है। पुलिस का ये कहना है कि जामिया की जो घटना दिसंबर 12 और उसके बाद 13 और 14 को हुई, उस घटना उसी समय ये साजिश रची गई थी कि अभी हम लोग दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवाएंगे। अब ये कितनी गलत और झूठ बात है, ये स्पष्ट होता है कि इस पूरे दौरान, पहले बात ये है कि दिल्ली के चुनाव का अभियान चल रहा था, दूसरी बात है शाहीनबाग के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन की सुनवाई कर रही थी। उस समय दिल्ली पुलिस या जो भी पिटीशनर्स थे उनके पास अगर थोड़ा सा भी सबूत था इस प्रकार की साजिश की, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं रखी? अमित शाह पूरे चुनाव भर में शाहीन बाग और तमाम एंटी सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ पूरे तौर पर बोले, लेकिन इस बारे में कभी नहीं बोले कि हमें ये डर है कि सांप्रदायिक दंगे होंगे। वो कैसे बोलते, क्योंकि खुद उन्होंने और उनकी नेताओं, उनके पार्टी के नेताओं ने इस प्रकार की भड़काऊ भाषण। तो ये जो कहानी है दिल्ली पुलिस की एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो हिंसात्मक घटनाएं घटे उसकी हकीकत है, ये दोनों टकराते हैं। और इसलिए हमने कहा आप सच्चाई को कभी नहीं ढूंढ सकते हो। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट दी जो बिल्कुल इसकी विपरीत है। हमारा ये मानना है आप निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की घटनाएं होती है देश भर में, और इसमें 53 लोग मारे गए इसी देश की राजधानी में, और आप अपनी कहानी को कोर्ट्स के सामने रख रहे हैं, और जो असली दोषी है उनको छिपाने के लिए, उनको बचाने के लिए, और ये हिंसात्मक कार्रवाई की जो जड़ें हैं उसको छिपाने के लिए आप इस प्रकार की जांच करवा रहे हैं जो पूरे तौर पर एक तरफा है, केवल दोषियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि दोषियों में दिल्ली पुलिस का भी एक हिस्सा है। वृंदा, मेरा ये आखिरी सवाल होगा कि जहां तक रिलीफ ऑपरेशन की बात है, तो सीपीआईएम और दिल्ली रिहैबिलिटेशन रिलीफ कमिटी नाम की जो एक कमिटी बनी थी, वो इस पूरे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस और रिलीफ प्रोसेस में बहुत क्लोजली जुड़ी हुई थी। तो अगर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की बात की जाए तो मौजूदा हालात क्या है? अभी जो स्थिति है वहां जनता की, उसमें एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक असुरक्षा का भी कुछ माहौल है, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों को वहां गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को उठाकर पूछताछ किया जा रहा है, और लोगों को जबरदस्ती गवाह के रूप में धमकी देकर बताने के प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी एंटी सीए प्रोटेस्ट में शामिल थे वहां के लोकल लोग, विशेषकर महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको पूछताछ के लिए, और जैसे आपने कहा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को लिए, जामिया के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स के खिलाफ गवाह के रूप में पेश होने के लिए वो एक जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। मतलब वो किसी न किसी तरीके से
दबाव डालकर वो झूठी गवाही या दबाव में गवाही दिलवाने के लिए वो लोगों को बुलाकर धमकियां दे रहे हैं या पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए वहां का जो माहौल है इस समय नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां के भी लोग को बुलाया जा रहा है, अभी उन्होंने बताया कि जितने लोग गिरफ्तार हुए 1400 के लगभग, दिल्ली पुलिस ने हमारी पिटिशन की जवाब में बताया, और वो बहुत गर्व के साथ कहते कि बराबर है, हिंदू और मुसलमानों की संख्या में बराबर है, इसलिए ये साबित करता है कि हम लोग एक ही नजर से सबको देख रहे हैं। लेकिन भैया, जब 53 लोगों में से 2/3 माइनॉरिटी कम्युनिटी के है, जब जान माल का पूरा जो नुकसान हुआ है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, खुद पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 3/4 नुकसान एक कम्युनिटी का हुआ है, तो बराबर की गिरफ्तारी का अर्थ क्या है? तो आप दोनों को कैसे इक्वेट कर सकते हैं? तो ये जो वहां माहौल है, ये लोग न्याय चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी राहत और पुनर्वास का सबसे बड़ा मुद्दा है शांति और न्याय। तो ये इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के तहत हम लोगों ने रिलीफ का काम जारी रखा। तमाम जो मृतक जो परिवार हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उन सबसे हमारा संपर्क बराबर रहा। सेकेंड राउंड सर्वे में भी हम उनके पास गए। अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कितने बच्चों को स्कॉलरशिप की जरूरत है जो हम देंगे। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नौजवानों में ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधा हम लोग क्या वहां उपलब्ध करवा सकते हैं, तो एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए भी हम लोगों की राय ले रहे हैं। और जो व्यक्तियों की जो दिक्कतें हैं उसका हम किस हद तक पूरा कर सकते हैं, उसके लिए भी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन। हालांकि अभी कॉम्पनसेशन के बारे में भी काफी दिक्कतें हैं, कुछ लॉकडाउन के कारण, कुछ सरकारी लापरवाही के कारण, कुछ पुलिस की डेथ सर्टिफिकेट्स न देने के कारण भी कुछ गैप्स, कुछ केसेस है जहां गैप्स हैं। तो ये सारा काम हमारी पार्टी सिर्फ नहीं, और भी वॉलंटियर्स जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सॉलिडैरिटी कमेटी दिल्ली में बनी थी, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, वो सब भी हमारे साथ मिलकर अभी वो काम चला रहे हैं। न्यूज़क्लिक से बात करने के लिए धन्यवाद वृंदा, और आगे ऐसे अनेक मुद्दों पर हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।